प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी को सफल बताते हुए काला धन विरोधी दिवस मना रही भाजपा और इसके विरोध में काला दिवस मना रही कांग्रेस, दोनों पार्टियों में गुड़ियारी के पहाड़ी चौक पर रखी गई सभा में एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पथराव के वक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल मौजूद थे। नोटबंदी के एक साल पूरे होने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत राजधानी के गुड़ियारी के पहाड़ी चौक में सभा कर रही थी। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ता काले झंडे लहराने लगे, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। साथ ही अचानक भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच कर भूपेश बघेल के विरोध में नारे लगाने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव शुरू हुआ। इस पथराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं की तरफ चूड़ियां और कालिक फेंकी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी उग्र हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सीडी फेंककर इसका विरोध किया। मौके पर पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद थी, जिसने मामले को शांत किया। इस पथराव में भाजपा से 3 और कांग्रेस के 6 लोगों को चोटें आईं। देखिए, प्रजातांत्रिक देश में हर को अपनी बात रखने का अधिकार है। नोटबंदी ऐसा मामला है जिससे गरीब आदमी और गरीब होता गया। लोग लाइन में लगाए खड़े रहे, 6 महीने तक लोगों को लाइन से पैसा नहीं मिला। अपने पैसे को लोग बैंक में जमा कर लिए थे, उनको निकालने के लिए सरकार का आदेश जरूरी था। ये हमने इतिहास में पहली बार देखा था। इसका विरोध करने आए थे तो विरोध करने क्या आए थे, यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे हम पत्थर खाने आए थे। और एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता जो हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोग हैं, इनका चाल हमने पत्थर मारते हुए देख लिया। चरित्र तो वो भी पत्थर में हमने देख लिया, किस प्रकार के बड़े बड़े छतों से पत्थर मार रहे थे, और चेहरे वो देख लिए। उन चेहरों को जनता जवाब देगी आने वाले समय में। शांति को, छत्तीसगढ़ के संस्कार को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को गहरा चोट पहुंचाया है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी ने। जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने फर्जी सीडी के माध्यम से किया है, यहाँ की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। आज उनका इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक श्री राजेश मूणत के क्षेत्र में आने पर यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनको प्रतीकात्मक तौर पर काला झंडा दिखा करके उनको वापस जाने का नारा लगाया, किंतु कांग्रेस के गुंडों ने यहाँ पर पत्थरबाजी करके हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, इस क्षेत्र के नागरिकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी करके चोट पहुंचाई है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। जिन लोगों को चोटें लगी है उनका मुलाहिजा कराया जाएगा। मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पे जो भी शिकायत आती है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अभी मुलाहिजा कराने भेजा गया है, दोनों पक्ष में कार्रवाई, अभी जिस तरह से रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी पुलिस। कांग्रेस ने आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर कि पथराव बीजेपी द्वारा की जा रही थी, बड़े संख्या में पत्थर इकट्ठे किए गए थे सभा के दौरान जो है, और भाजपा का कहना है कि पत्थर और चूड़ियां जो है कांग्रेस के द्वारा इकट्ठे की गई थी, लेकिन यहां पर पुलिस जो है तैनात है। पुलिस का भी कहना है कि दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की जाएगी। ये सीढ़ी, चूड़ियां और पत्थर जो है आपको दिख रहे हैं, यहां पर सभी पुलिस बल तैनात है। उन लोग कह रहे हैं कि दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की गई, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि काला दिवस पर काला धन विरोधी दिवस भारी पड़ा है या काला धन विरोधी दिवस पर काला दिवस, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पथराव जो है लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को रखने के लिए भूपेश बघेल ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, इस पर भाजपा के लोगों ने हमारे पर पथराव किया है, ये बात जांच के बाद ही पता चल पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ महेंद्र पटेल की रिपोर्ट, रायपुर। इस पूरे घटना से शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन से राजनीति गलियारों में एक और बवंडर मचने वाला है। जहां आम चुनाव सामने हैं, वहीं बाहुबल और कूटनीति के प्रयोग से सियासी राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुकी है, ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को कटघरे में खड़ा करती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार घट रही घटनाओं से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी किरकिरी कराने में लगे हैं। For more information, log on to www.clips.in.